नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज का मुद्दा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या गायत्री प्रजापति को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। गायत्री प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने पर यूपी के गवर्नर राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर सवाल भी उठा दिया, पर कांग्रेस ने जवाबी दलील दी कि हर राज्य के गवर्नर को अपने अपने राज्यों में ऐसे मामलों में दखल देनी चाहिए। सवाल है कि गंभीर आपराधिक मामले के आरोपी को लेकर भी राजनीति क्यों हो रही है। गायत्री प्रजापति के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही चुनावी मुद्दा बना चुके, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जब हर राजनीतिक दल ने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो फिर किस हक से अपराध मुक्त यूपी का दावा किया जा रहा है। और इस बीच गायत्री प्रजापति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके FIR दर्ज करने का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने पर नाराजगी भी जताई। क्या राजनीतिक दलों को अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक ही अपराध दिखाई देता है? और 15 मिनट में पुलिस आ जाने का दावा करने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव यूपी 100 डायल करके गायत्री प्रजापति को क्यों नहीं पकड़वा लेते? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। मुलजिमों की तरफ से आज एक दरखास्त थी जो आई थी, जो प्रजापति की तरफ साहब की तरफ से और दूसरे दो मुलजिमों की तरफ से एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था FIR दर्ज कराने का, उसको वापिस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे आज दैट वो सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। एंड दोनों जो पार्टीज हैं, विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज अलेज्ड अक्यूज, वो दोनों जो भी अपने राइट्स अवेलेबल हैं कानून में वो सारा अपना एजिटेट कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उनके। ये यूपी पुलिस इस केस को वर्कआउट कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी NBW हम ले चुके हैं और इसके अलावा जरूरत पड़ी तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, पासपोर्ट उनके निरस्त कर दिए गए हैं, अब गिरफ्तारी शेष है जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी कर लेंगे। अच्छा होता कि देश का हर गवर्नर अगर इतना चिंता पालता महिला सुरक्षा को लेके, रेप और गैंग रेप को लेके, तो मैं समझती हूँ नलिया का गुजरात कांड में भी गुजरात के गवर्नर भी अगर सरकार को लताड़ लगाते और कहते कि जो रेप कांड हुआ है, जो वहाँ 40 नाबालिग बच्चियों को सेक्स स्कैंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने, पार्षदों ने धकेला है, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की वहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करते तो अच्छा होता। यूपी में जो मंत्री प्रजापति मानते थे उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सरकार उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल उठता है वो तो गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने गए कि हमारा बहादुर सिपाही है इसके वोट दो, तो उसके लिए वोट मांगने गए, तब गायत्री प्रजापति जो बाहर अंदर तो नहीं थे, कहीं छिपे हुए भी नहीं थे, बाहर ही थे, तो उसी समय जब वोट मांग रहे थे तभी मीडिया से या पुलिस वालों को बुला लेते, कहते कि हमने वोट इनके लिए मांग लिया, हमारा बहादुर सिपाही, लेकिन अब आप इनको अंदर ले जाइए। वोट भी डाल दिया 27 तारीख को, तब भी नहीं पकड़ा और बाद में कहते हैं गायब हो गए। मित्रों, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाल। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि रेप केस में FIR दर्ज होने के बावजूद यूपी पुलिस क्यों मंत्री गायत्री प्रजापति को पकड़ नहीं पा रही है। दूसरा सवाल है कि रेप के आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने में देरी क्यों हो रही है। तीसरा सवाल है
कि यूपी में गायत्री प्रजापति के बहाने चुनावी सियासत क्यों हो रही है। चौथा सवाल है कि दागियों को टिकट देने वाले नेता अपराध मुक्त यूपी का दावा कैसे करते हैं। और पांचवा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री अखिलेश को यूपी की प्रजा से प्यारे हैं गायत्री प्रजापति। तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से चार मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एम एच खान हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, पिछले करीब ढाई दशक से गरीबों के लिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं, आवाम संस्था के जरिए गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारे साथ अशोक देव जो कि प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पिछले करीब 15 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, बहुत दिन के बाद, पूर्व आईपीएस हैं, 2007 और 2009 के बीच यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर के तौर पर उनका नाम दर्ज है। स्वागत है आप चारों का आज ताल ठोके में। एक चीज़ अपने दर्शकों के लिए भी और अपने मेहमानों के लिए भी फिर से दोहरा दूं कि समय सीमा तय कर दी गई है, 1.5 मिनट का समय आपको अपनी बात रखने के लिए मिलेगा, घड़ी तब तक चलती रहेगी, 1.5 मिनट पूरा होने के बाद घड़ी बंद होते ही आपकी आवाज़ भी स्वयं बंद हो जाएगी। बाद में आप लोगों को फ्री राउंड मिलेगा जिसमें आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा अशोक देव जी आपसे है, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने डायल 100 दिया, 15 मिनट में पुलिस आ जाती है, डायल करके देख लीजिए। सर गायत्री प्रजापति के लिए क्यों नहीं डायल कर लेते डायल 100? रोहित जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो बात की जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। हम विश्व की सबसे बड़ी योजना 1090 उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यूपी 100 भी चला रहे हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। 15 से 20 मिनट में सही बात है कि गाड़ी पहुंच जाती है। रह गई गायत्री प्रजापति जी के, तो देखिए गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस उस दिशा में काम कर रही है, कानून काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि डीजीपी साहब ने भी कहा कि ये जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने विकास की कहीं बातें नहीं की, भाषा का प्रयोग किया, वो भी किस तरह के भाषा का प्रयोग किया, कभी कसाब की बात किए, कभी जो है इधर उधर की बातें करते रहे, कभी विकास की बात नहीं किए। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विकास की बात की, कहा कि अगर आपको हमें डिबेट पर बैठना है तो विकास पर किसी मुद्दे बैठ जाइए, चाहे बिजली का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसानों के लिए हम कह सकते हैं, रोड के लिए कह सकते हैं, रेल, मेट्रो रेल हमने बनाया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया जिस पर कि हम खुद केंद्र सरकार का फाइटर उतार चुके हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं और अपना नहीं देख रहे हैं। वो आज गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, ये तो निहाल चंद मंत्र पढ़ रहे थे, ये पहले रेल मंत्री इनके जो केंद्र में थे उनके बेटे ने बलात्कार किया मॉडल से, तब उस समय इनको दिखाई नहीं दे रहा था। नालिया सेक्स कांड गुजरात का आप देख रहे हैं इनको। सर 1.5 मिनट खत्म हो गया, बस एक छोटा सा करेक्शन आपकी बात में कर दूं, केंद्र सरकार का फाइटर नहीं उतारा था, अपने देश का फाइटर प्लेन उतारा था उस सड़क पे। बहरहाल हम आज गायत्री प्रजापति पे बात कर रहे हैं, आप निहाल चंद लाएंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आप गौड़ा लाएंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे हमने तो मेट्रो चला दी जो अदृश्य है, अभी दिखती नहीं है, हमने तो सड़क बना दिया। तो सर मैं सवाल पूछूंगा क्योंकि बात कानून व्यवस्था और गायत्री प्रजापति पर हो रही है। संबित पात्रा, उन्होंने आपके अपने कर्म बता दिए कि आपकी अपनी सरकार में ऐसे लोग रहे हैं जिन पर आरोप रहे हैं, आप इन पर किस मुँह से सवाल उठाते हैं? अपराधों का शोर दबा के रखा है, मंत्री जी का पाप पचा के रखा है, आजम खान की भैंस ढूंढ ले आए थे, गायत्री जी को कहाँ छुपा के रखा है। आप बताइए, ये कहने का अंदाज तो अलग था मगर आप सोच के देखिए, एक आजम खान की 3 भैंस खो गई थी, जिस प्रकार की चाक चौबंदी की गई थी कि 24 घंटे के अंदर किसी भी कीमत पे 3 भैंस को ढूंढ के लाना है, भैंसों के लिए भी इज्जत होना चाहिए, सही बात है। एक 17 साल की बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में महीने भर से पड़ी हुई है, उसके तरफ हम आँख भी उठा के ना देखें, उसके हक की बात भी ना करें? उसके हक की बात करेंगे तो आप मेट्रो पर चले जाएंगे,
मेट्रो के विषय में किसी और दिन बात कर लेंगे, आज अपराध के विकास जो आपके सरकार के समय हुआ है। और गायत्री प्रजापति कोई छोटा मोटा मंत्री नहीं है, ये एकमात्र ऐसा मंत्री है अखिलेश जी के कैबिनेट में जिसको 3 बार प्रमोशन दिया गया है। 3 बार, किसी को भी 3 बार प्रमोशन नहीं दिया गया। 1 बार पहले उनको निकाला गया था क्योंकि हाईकोर्ट ने लताड़ लगाया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि उन्होंने पैसे खाए हैं माइनिंग केस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने, इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें रखा गया। और कैंपेनिंग समाजवादी पार्टी का इन्हीं के गढ़ से गायत्री प्रजापति ने ही शंखनाद करके कैंपेनिंग शुरू की है, जिसका आगाज ही शंखनाद ही, शुरुआत ही भ्रष्टाचार, अन्याय और इस प्रकार की कानून व्यवस्था से होती है। आप अंदाज लगाइए उस सरकार की नियति किस प्रकार की होगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कहां छुपा के रखा है जो अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। बच्चा बच्चा जानता है साहब कि मुख्यमंत्री का घर ही ऐसा ठिकाना है जहां पुलिस नहीं जाती है। एमएच खान साहब, आपको लगता है मुख्यमंत्री के घर पे आरोपी छुपाया जा सकता है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं लगातार? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री के घर पे आरोपी छुपा हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब FIR दर्ज होती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है तो पुलिस नाटक, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खासकर उसे लखनऊ की SSP हैं और लखनऊ की पुलिस, वो उनको पता है कि गायत्री प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से लड़ रहे हैं, अमेठी से लड़ रहे हैं। वो नाटक दिखाते हुए लखनऊ के आवास पर जाके घूम घाम कर चले आते हैं। ये तो एक नाटक है इनका, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश शासन का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। पूरी तरह जानकारी है समाजवादी पार्टी के नेताओं को और अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री, उनको कि हमारा मंत्री कहाँ है। अगर चाहते तो उसको बर्खास्त कर सकते थे। ईमानदारी की बात यह थी कि बर्खास्त कर देना चाहिए था, बर्खास्त तक नहीं किया उसको, और नहीं तो उनके मंच पर जाके भाषण भी दिया। भाषण देने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूँ। आप पाक साफ कहाँ हैं? 400-500 दंगे हो गए, आप पाक साफ कहाँ? दागी मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी अगर लिहाज होता, कुछ शर्म होती कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसको हम तुरंत मंत्रिमंडल से हटा दें, तो कुछ हो सकता था। कुछ आपके चेहरे से जो दागी मुख्यमंत्री का आरोप लगा हुआ है कुछ हट जाता, लेकिन हटा नहीं और आपने परत जमा दी। ऐसा करके किसी अपराधी और भी मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री जिसके प्रचार में आप जाते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको, आपके पार्टी के लोगों को है, उसको छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक सर, समय हो गया। विक्रम सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब सब कुछ व्यवस्था चुनाव आयोग के पास आ जाती है और एक ऐसी पुलिस जो मंत्री की भैंसे तक पहचान के खोज ले आती है, उसको इतने दिन तक ये नहीं पता लगेगा कि आदमी कहाँ है जिस पे बलात्कार का आरोप है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी याचिका पे याचिका खारिज करता जा रहा है, यानी पकड़ के तो लाना पड़ेगा, क्या पुलिस जानबूझ के डिले करती है ऐसे में, या राजनीतिक संरक्षण होता है जो कहीं दीवार बन जाता है? रोहित जी, अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है। वो यूपी पुलिस जिसने अलकायदा के सैयद मोहम्मद उमर शेख ददुआ ठोकिया को ठिकाने लगा दिया, वो गायत्री प्रजापति के ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रही है। ये मानने अविश्वसनीय बातें हैं। और अगर आप 3 चरणों में देखें, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर अपराध पंजीकृत हुआ, उसमें आपने गंभीरतापूर्वक कोई तलाशी, छानबीन, छापे डाले? नहीं। क्या आपने उनके ऊपर कोई पुरस्कार की घोषणा की, 5 लाख कि इनको जो दस्तयाब करेगा, गिरफ्तार कराएगा, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा? नहीं। आपने कोई सर्च टीम डेडिकेटेड बनाई कि इनकी बिल्कुल झिझोड़ के रख दीजिए, जहां कहीं छापे डालिए? नहीं। आपने दरअसल कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि डिलेइंग टैक्टिक्स की। अब हम वारंट की दरखास्त दे रहे हैं, अब हम वारंट प्राप्त कर रहे हैं, अब हम तलाश जारी कर रहे हैं, अब हम सुरागरसी कर रहे हैं, अब हम पतारसी कर रहे हैं, और तब तक 11 तारीख आ जाएगी, फिर ऊंट जिस करवट बैठता है तदनुसार हमारी जो है रोड मैप तदनुसार बनेगी। ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है और आखिरी बार भी नहीं हो रही है। आप गौर से समझें कि इसमें अगर इच्छा शक्ति होती तो गायत्री प्रजापति कोई सुल्ताना या मानसिंह नहीं कि भूमिगत हो जाते। पुलिस चाहती तो 24 घंटे में उनको जेल की सलाख के पीछे डाल देती, लेकिन जाहिर है उनकी मजबूरी है जिसके कारण वो जेल की सलाख के पीछे नहीं है। सही कह रहे हैं शोकदीप जी। वो देखिए, विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं, इनका जवाब मैं दे दूं। विक्रम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के DGP थे तो इन्हीं के समय में निघासन कांड हुआ था, इन्हीं के समय में कविता कांड हुआ था। केवल 10 महीने में गोरखपुर में 222 बलात्कार हुए थे। तो विक्रम सिंह जी तो कहने के हकदार ही नहीं है।
आज जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, आप भी जानते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट हम नहीं देते हैं, केंद्र सरकार बनाती है, 22 के नीचे हमारा स्तर है, फिर भी आप कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर कष्ट होता है कि एक जो भी छिटपुट घटनाएं होती है उसे उत्तर प्रदेश सरकार, हम दुखी हैं कि हमारे यहाँ कोई घटना नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमने बहुत रोका है। रह गई बात जो है ये बीजेपी के साथी हमारे कह रहे थे, संबित जी और बीएसपी के साथी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में छुपा कर रखा गया। देखिए, ये घटिया स्तर की बातें हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बीएसपी में थे, बीएसपी के मुख्यमंत्री जी थी, आधे मंत्री और विधायक जेल में चले गए थे, सीएमओ डिप्टी सीएमओ की हत्या कर दी गई थी। अशोक जी नहीं, आप सुन तो लीजिए, बीएसपी के साथी कह रहे थे, आप बोलते रहिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं साथ, उसको जोड़ लीजिए जवाब के साथ में। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है सर, सवाल यह है सर कि यही गायत्री प्रजापति थे जिनको हटाने के बाद पूरे परिवार का झगड़ा सड़क पे आ गया था, ऐसा क्या जादू कर दिया है गायत्री प्रजापति ने कि अखिलेश यादव ये जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एफआईआर कर दो, उनके साथ मंच पे खड़े हो जाते हैं, जाके उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। कुछ तो होगा ना सर पर्दे के पीछे जो हम लोगों को नहीं दिखता। नहीं रोहित जी, आप देखे होंगे कि आप कह रहे हैं मंच पर खड़े हो गए थे, तो आपको शायद याद होगा कि वहाँ पे दोनों पार्टी का अलायंस का जो है मीटिंग था, शायद वहाँ पर वो नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि जो भी कार्रवाई होना चाहिए किसी भी तरह के, किसी भी पार्टी के लोग हों चाहे किसी भी स्तर के लोग हों, वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हम कहीं भी ढीला नहीं है, कहीं हम दबाव नहीं बना रहे हैं पुलिस पे, तभी तो IDGP कह रहे हैं कि हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग जो बदनाम कर रहे हैं, तो ये अपने राज्य भी तो देखें, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, आप देखिए लाइन ऑर्डर क्या है वहाँ का, वहाँ भी तो बलात्कार चल रहा होता है, क्या उसका FIR दर्ज हुआ है? चुटकुला चल रहा है, चाहते हैं मध्य प्रदेश की पुलिस को कह दीजिए गायत्री प्रजापति को ढूंढ लाए तो गायत्री प्रजापति खुदा के सरेंडर कर देंगे जल्दी जल्दी में, डर के मारे। से पूछना चाह रहा, छोड़ दीजिए सर, अहमदनगर में बताइए, छोड़िए ना सर, अभी मुद्दा ये है सर, गायत्री प्रजापति पर आप लोगों का वरदहस्त है या नहीं? आपने मना कर दिया अहमदनगर का, आज तक आपने मना कर दिया कि आप लोगों का कोई संरक्षण नहीं है। अब जरा विक्रम जी का जवाब ले लीजिए, वो हाथ उठा रहे थे। विक्रम जी आप बोले, फिर संबित आप बोले। जी बोले विक्रम जी। रोहित जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं ये मनमाने तरीके से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे टाइम के अगर आंकड़े आप कंपेयर कर लें आज के क्राइम से, हमारे टाइम का क्राइम 1/3 था, और जो गैंगस्टर NSA और मुठभेड़ की संख्या है आपकी 8 गुना ज़्यादा है, वो अभी तक रिकॉर्ड है और शायद वो रिकॉर्ड आप तोड़ ना पाएंगे। दूसरी चीज़, मेरे कार्यकाल में 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 222 महिलाओं का बलात्कार केवल कानपुर में हुआ था। और उस रिकॉर्ड को भी शायद आप गोरखपुर में हुआ था 222 महिलाओं का बलात्कार, अब आप कह रहे हैं कानपुर में हुआ था, पहले डिसाइड तो कर लीजिए सर कहाँ करवाना आपको। कानपुर, आप रोहित जी आप गलत सुन रहे हैं, मैं कानपुर कह रहा हूँ, मैं गलत सुन रहा हूँ, मैं कानपुर का गोरखपुर का नाम नहीं लिया, और गलत ठीक है सर, मैं गलत सुन रहा हूँ सर, मैं गलत सुन रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हैं? जितने वांछित अपराधी थे, अगर इसके है कि ये देखिए सबका समय बर्बाद करने से अच्छा है, वो एक ऐतिहासिक पीरियड था जब अपराध की जो कंट्रोल था अपराध के ऊपर वो अपनी पराकाष्ठा पे था, और ये सर्वविदित है, इसको NCRB ने भी कहा, और आपने NCRB के डेटा को बड़ा महिमा मंडित किया है ना, ये वो डेटा है जो आप भेजते हैं, NCRB कंपाइल नहीं करता है। अगर हमने बुनियाद में ही घुन डाल दिया है तो वही घुन NCRB भी विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी आप BSP में DGP थे, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों और अल्पसंख्यकों पर हुआ था, लड़िए आपके जमाने में अल्पसंख्यकों और इन सबके राग को अलापने की बजाय ये बताइए सर, प्रजा से ज्यादा प्यार करते हैं कि प्रजापति से? संबित बोलिए सर, प्लीज पर्सनली फाइट नहीं करें, झगड़ा नहीं करें सर, अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप सम्मानित व्यक्ति हैं विक्रम सिंह जी, आपको इस तरह के उस पर जवाब नहीं देने चाहिए, आप स्वीकार करिए, मैं सवाल पूछूंगा सर, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अशोक जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब हम लोग बोले तो बीच में नहीं बोलिए, हम लोग भी सुनते थे, अगर आप बीच ज्यादा बोलेंगे तो मैं 100 नंबर डायल कर दूंगा, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। देखिए ऐसे डिबेट में भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, पूरा सुन लीजिए। अभी रोहित जी में एक बड़ी बात, बिल्कुल आ जाएगी, देखिए 100 नंबर डायल कर दूंगा अभी,
फिर 15 मिनट में पुलिस आ जाएगी आपके पास, देख लीजिए। मैं आप कंप्लीट कर दूं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या मजबूरी है जो अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो समझने का विषय है। अब देखिए, यही अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति को एक बार निकाले थे, पूरा कोर्ट में केस हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में माइनिंग स्कैम को लेकर। इन्हीं की सरकार ने कहा था कि हम CBI की जाँच नहीं करना चाहते हैं गायत्री प्रजापति के खिलाफ, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाध्यतम कहा कि आपको CBI की जाँच करानी पड़ेगी। बचाने की कोशिश तब भी हो रही थी, मगर जब ये CBI का जांच कोर्ट ने कहा, तब अखिलेश जी ने आनंद फानंद में इनको निकाला था एक आई वॉश हॉग वॉश करने के लिए। पूरा का पूरा लेन देन होता है, देखिए ये जो सिस्टम चलता है कि नीचे से पैसे खाना है और ऊपर तक पहुंचाना है, गायत्री प्रजापति जी को तीन बार जो प्रमोशन दिया गया वो केवल इसीलिए क्योंकि मोटा माल वो CM हाउस तक पहुंचाते थे। और अभी भी गवर्नर तो यही पूछ रहे हैं कि आप ये जो नहीं सुनिए, CM केवल अपील कर रहे हैं, अच्छा होगा अगर ये मंत्री जी आकर सरण, अरे आप मंत्री पद से निकाल दीजिए, आप उनको मंत्री पद से निकालना है, इसके लिए तो किसी को गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। अबू आजमी ने भी आज कह दिया, कितना पैसा लेते थे ये तो बता दीजिए, CM साहब क्यों बचाते थे उनको, कि गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। MH खान ऐसी क्या हैसियत रखते हैं गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो देश को नहीं पता लेकिन समाजवादी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती? नहीं, समाज में क्या हैसियत है ये तो अब पूरा समाज जान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निगाह में, माननीय मुलायम सिंह के यादव की निगाह में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं वो। अगर इतनी बड़ी हैसियत ना रखते तो मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको मंत्रिमंडल से निकाला क्यों नहीं जा रहा, क्या राज है, कोई राज ऐसा छुपाया है गायत्री प्रजापति के दिल में जो डर रहे हैं ये लोग कि कहीं उगल ना दे तो हम लोग तो तबाह हो जाएंगे, यही सब कोई वजह है, वरना कोई वजह नहीं थी कि इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप मंत्रिमंडल से निकाल नहीं रहे हैं। आप अपने आप को पाक साहब कह रहे हैं और पाक साहब होने का दावा करते हैं और पाक साहब में आप शामिल हैं, गुनाह में शामिल हो रहे हैं, आप बिल्कुल एक तरह से आप प्रजापति के साथ उनके गुलाम में शामिल हो गए हैं, अगर उनको मंत्रिमंडल से आप नहीं निकालना है, राज है कोई, मैं कहता हूं रोहित जी इसमें कोई राज है, ये राज कब पता चलेगा, गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा, पुलिस इंट्रोगेट करेगी तब पता चलेगा, ठीक है पता जरूर चलेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज है जिससे गायत्री प्रजापति को न बर्खास्त किया जा रहा है न गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है अशोक देव, एक बात तो बताइए मुझे, मंत्रिमंडल से हटाने के लिए तो पुलिस की जरूरत नहीं है ना, उसमें तो मुख्यमंत्री को खुद फैसला लेना है, या वो भी आप इंतजार करें कि पुलिस पकड़ लेगी तो हटा देंगे, नहीं तो 11 मार्च आएगा फिर तो तब तय हो जाएगा हटाना है कि नहीं हटाना है। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पार्टी का हो, कितने ऊंचे ओहदे पर हो, वो व्यक्ति अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ वही सजा होगी जो कानून चाहता है। रह गई मुख्यमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी कहीं दबाव पुलिस में नहीं बनाए हैं कि आप गिरफ्तार मत करिए, पुलिस तो जो है स्वच्छंद है गिरफ्तार करने के लिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है, 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 लेकिन मैं खान साहब से कहना चाह रहा हूं, खान साहब को ये सब बातें नहीं कहना चाहिए जो खुद जो है इनके चरित्र में जो है दाग लग चुका है पिछले, जो हम ज्यादा उजागर करना नहीं चाहते, अभी मैं बता चुका हूं। रह गई बात संबित पात्रा जी के, संबित पात्रा जी को मैं याद दिला दूं कि आप कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे, लेकिन आपकी सरकार जब बनी थी तो आप याद रखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार में किसी उनका नाम नहीं लेना चाहते तो मन ही बोल रहे क्या होता है, लेन देन का काम आप क्या होता है, अच्छा। नहीं लेन देन का काम आप क्या होता है, अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं होता, परिवार लड़ रहा था ऐसा डिशुंग पूरा साइकिल से उतर कर वहां पर लेन देन के लिए ही पैसा का बंटवारा चल रहा था वहां, हम लोग को नहीं पता है क्या हो रहा था, आपको भी पता है ये जो जवाहर कांड हुआ था, जवाहर बाग वाला कांड हुआ था मथुरा में, किस लिए हुआ था, कुछ भी कौन सा पैसा का बंटवारा के लिए होता बता दीजिए, ये जो पूरा परिवार में लड़ाई चल रहा था किसके पास पैसा था, कौन नहीं दे रहा था पैसा दूसरे को, आप बताएंगे, आप बता दीजिए ना, सब कुछ तो आपको पता है, काहे मन में छुपा के बैठे, ज्यादा मन में जहर रखना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घड़ी घड़ी चले जाते हैं, गुजरात में कलेक्टर बनवाते हैं, अरे मध्य प्रदेश कहां चले गए, वापस आइए गुजरात, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, अरे ठीक है मध्य प्रदेश से वापस आ जाइए, बार बार बिल्कुल 2014 में गुजरात गए थे, उसके बाद क्या हुआ था हम लोगों ने देखा है, कृषि मंत्री
तीन सीट आई आप लोगों की, बार बार गुजरात जा जाके, और गुजरात मत जाइए, यहीं वापस आइए उत्तर प्रदेश। आप बताइए तो इस बात को, किस बात को? आप उत्तर प्रदेश में विकास की बात नहीं करते हैं, आप गुजरात मॉडल दिखाते हैं, वो तो आप गायत्री प्रजापति का विकास करवा रहे हैं, इसमें तो बोलिए, सुनिए ना सर, नहीं बताइए कौन सा मॉडल दिखाएंगे आप? वापस आए ना गुजरात, मैं पूछ तो रहा हूँ, गुजरात सेक्स स्कैंडल का जांच हुआ, सुनिए ना, गुजरात इलेक्शन नहीं है, आप कराएंगे, आप महाराष्ट्र में 14 वर्ष की लड़की के बलात्कार करके हत्या करा दिया जाता है, और आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप चुनाव में जो है ध्रुवीकरण करने के लिए कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति से कौन सा ध्रुवीकरण हो रहा है सर? प्रजा से ज्यादा प्यार करते हैं अखिलेश यादव, या अपने प्रजापति से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लगातार कोर्ट का डंडा और फटकार होने के बावजूद।